एंड यहाँ हमारा पीछे चालान कट रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम इरफान आलम एंड यू आर वॉचिंग FFGC व्लॉग्स। इन केस आप मुझे नहीं जानते एंड इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो आज का व्लॉग क्या होने वाला है, एक्चुअली दो दिन का व्लॉग होने वाला है। एंड देख रहे हो मेरे चेहरे पर काफ़ी रोशनी सी आ रही है क्योंकि मैं सीधा खड़ा हूँ धूप के सामने। शाम के बज रहे हैं 5:30 एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में टायर चेंज करवाने एंड कल मेरे पापा को बोलते हैं, आज 11 सितंबर है। मेरी छत पर कोई आ गया था, एक्चुअली मैं छत पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए कट करना पड़ा, बट 11 सितंबर है आज, कल 12 सितंबर है, मेरे पापा का बर्थडे है। सो उनके लिए सरप्राइज प्लान किया। ये छत में बहुत सारी वायर है, मैं गिरने वाला था बहुत रैंडम था आई नो, बट अभी हम जाएंगे कुछ सामान लेने, केक वेक लेना है एंड कल मेरा ऑडिशन भी है। सो मेरे को पहले साकेत जाना पड़ेगा, कल मेरा एग्ज़ाम भी अकाउंट्स का, मेरा मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो अकाउंट्स का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद साकेत जाना है, वो ऑडिशन देना है, उसके बाद पापा को बर्थडे सेलिब्रेट करना है। बट उससे पहले रात के 12 बजे पापा का केक काटेंगे एंड अभी जाते हैं सामान लेने। सो एंड एक चीज़ बोलना भूल गया था, ये आप मेरी टी शर्ट देख सकते हैं, तो इसमें एक कोट है, आई एम मेड फ्रॉम एवरी मिस्टेक आई हैव मेड। सो अगर आपको ऐसी टी शर्ट्स चाहिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स हैं, बहुत अच्छे कोट्स हैं, सो यू कैन चेक आउट द नूब्स कंपनीज कलेक्शन, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड इनका इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ आ जाएगा। सो अगर आपको पसंद आती है ऐसी टी शर्ट्स, ग्राफिक टी शर्ट जिनमें ऐसे कुछ कोट्स लिखे हैं, वो और भी कलर्स अवेलेबल है, प्रिंट टी शर्ट्स भी अवेलेबल है। और इनका सबसे अच्छा जो टी शर्ट मुझे अभी तक लगा है वो है बैटमैन का ग्लोइंग टी शर्ट, आप चेक कर सकते हो, जो राइट में ग्लो नहीं करता वो रेडियम वाला। सो यू कैन चेक दिस आउट एंड अगर ख़रीदना है तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिए, ये है इरफान आलम, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। सो यार मैं बताया था 5:30 बजे निकला था JK टायर्स में, मैं पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ, 7:30 हो चुके हैं, चारों टायर बदलने में बहुत टाइम लगे क्योंकि इनके और भी ऑर्डर्स थे। क्या होता हूँ भाई, क्या करें अब, टायर तो बदलने से भी। सो गाड़ी के सारे टायर चेंज हो चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टू सर जॉन पापा का केक लेने, सो सी यू एट सर जॉन। तो फिलहाल हैं हम सर जॉन में एंड काफ़ी अच्छी जगह बन चुकी है, मतलब मैंने पहले जब आता था यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था एंड यहाँ क्वालिटी भी अच्छी आ रही है वीडियो की एंड केक ले रहे हैं एंड गाना बज रहा है, आई होप आपका वॉइस क्लियर आ रही हो। एंड केक हमने क्या लिया, बटरस्कॉच केक लिया, रात को दिख जाएगा, एंड एक प्लेन केक लिया है, पता नहीं क्यों मम्मी ने कहा था, तो ले रहे हैं एंड अभी और सामान ले रहे हैं। तो बहुत बार ये चुटकी बता रहा हूँ आज मैं, चलते हैं। मैं और मम्मी लगे पड़े हैं क्या करने में, बिल्कुल सुलाने के लिए क्योंकि पापा को सरप्राइज देना है एंड चलो फुलाते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे ड्रम्स की एक्सरसाइज करते हैं। सो फाइनली आधे घंटे की पूरी मेहनत के बाद पूरे मतलब जबड़े जॉ लाइन की पैड बच चुकी है, पूरा मुंह दर्द कर रहा है। सो ये हैप्पी बर्थडे एंड हियर वी गो, ये रहे सारे बलून्स, तो अभी डेकोरेशन दिखाऊंगा सीधा। सो गाइस रात के मैं चेक करके बताता हूँ, टाइम हो रहा है 11:30 एंड मेरे को लग रहा है प्लान का होने वाला है बहुत गंदा पोपट, ये गाड़ी में मेरे मतलब केक वेक रखा है क्योंकि घर तो ला नहीं सकते, पोपट इसलिए क्योंकि पापा अभी तक जगे हैं एंड हम उन्हें सुलाना चाह रहे हैं क्योंकि सरप्राइज रहेगा नहीं, अब प्रिपरेशन करनी है, देखते हैं कि सरप्राइज होंगे कि नहीं। पापा आपको क्या लगता है, हम मेरे लिए आधा घंटा है, आपके लिए तो कुछ मिनट या सेकेंड, देख लो यार। गेट खोला एंड ओके माय फॉल्ट, फ्लैश लाइट अवेलेबल नहीं है, आई एम सॉरी, बाहर ला के दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ द पैकेज, ओके पैकेज ले लिया एंड टेकिंग द पैकेज होम। सो घर अभी पापा सो गए तो मैं आपको सारी डेकोरेशन दिखा दूंगा, वरना हो जाएगा हमारा पोपट सारे सरप्राइज का। सी यू गाइस एट द सेलिब्रेशन। एंड मुझसे समझदार कहीं नहीं होगा क्योंकि मैं केक लेके, सिर्फ केक लेके जा रहा हूँ, पापा को ये तो नहीं बोल सकता पापा केक लेने जा रहा हूँ या रात के 11:30 बजे टहलने जा रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं जाता रात के 11:30 बजे टहलने, एटलीस्ट मैं तो नहीं जाता। सो मैं बहाना मारा, गाड़ी से ऑक्स केबल लेने जा रहा हूँ और मैं ऑक्स केबल लेना भूल गया, वेरी गुड बाय। तो यहाँ मुसीबतें कम नहीं है, ये फ़ैन की वजह से मेरी आवाज़ भी शायद गंदी आ रही हो, बट इस हैप्पी बर्थडे को लगाने में 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके, लग ही नहीं रहा, गिरे जा रहे हैं एंड ये सब लगाने हैं।
और टाइम है नहीं, टाइम हो रहा है 52, 8 मिनट है, देख। हैप्पी बर्थडे। उठो उठो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये व्लॉग हो रहा है अब, अबे पूरी फ्लैश लाइट मारते हुए, एंड 3, 2, 1। हाउ इज द रिएक्शन? नहीं, कोई सिनेमैटिक शॉट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, कल एग्जाम है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी फिलहाल तो पेपर देना है, जस्ट अभी बैठा हूँ, पहले पेपर देते हैं। तो सी यू मैन, मेल दे 2 घंटे आपके लिए, 1 सेकेंड। तो सी यू। तो नाउ लाइक एग्जाम ओवर हो चुका है एंड मैं रेडी हो चुका हूँ फॉर द ऑडिशंस। अभी जाना है साकेत, सो एंजॉय द जर्नी। साकेत पहुंच चुके हैं दिल्ली, साकेत DLF साउथ विंग में मेरा ऑडिशन है। सो एटलीस्ट अगर अंदर मैं शूट कर पाया तो अंदर की लोकेशन भी दिखाऊंगा, वरना वापस यही मिलूंगा। सो फिलहाल विश मी लक फॉर ऑडिशंस। सो हियर वी गो, एंट्री करनी पड़ी थी, बॉल ऑल सब सेट है, देखते हैं अंदर क्या होता है। काफ़ी लोग आए हैं क्योंकि एंट्री में कॉस्ट्यूम में बहुत लोग दिखाए हैं, मतलब आए हैं। चुका है वही वीडियो बनाई जो देखते हैं आप, तो अंदर का लोकेशन दिखाया, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रोफेशनल लगा। इनको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं, फ्री में ऑडिशंस नहीं, एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन वीडियो, अपनी प्रोफाइल्स, अपना पोर्टफोलियो जो बनवाया था वो सब भेजना है मेरे को ईमेल्स, और वहाँ बस इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई, प्रोफाइल्स ली और एक फ़ोटो ली, वो कास्टिंग एजेंसी में भेजेंगे, और देखते हैं अगर कुछ मिला तो दुआ करो मिल जाए काम भाई को भी। तो फिलहाल चलते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली घर ही जा रहे हैं। तो जा रहे हैं मजनू का टीला, एक टिबेटियन स्टाइल कुछ है, मतलब कम्युनिटी है दिल्ली में, तो वहीं जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मजनू का टीला, एक्चुअली नॉट मजनू का टीला, मजनू का टीला के पास ही आप पीछे देख सकते हैं गुरुद्वारा है, यहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। मम्मी और पापा गए हैं ऑर्डर करने रेस्टोरेंट में, और मैं और भाई यहाँ पार्क करके जा रहे हैं। तो सीधा आपको दिखाऊंगा मजनू टीला की एंट्री कहाँ से होती है, एक छोटी सी गली से एंट्री होती है, तो यहाँ से हमें ई रिक्शा या ऑटो करके जाना पड़ता है। सो गाड़ी खड़ी है एंड मेरा भाई एक नंबर का गधा है, वो फ़ोन हर बार गाड़ी में भूल जाता है, एंड पता नहीं भाई क्यों कह रहे हैं ये जो गाड़ी दिख रही है इसमें ड्रग सप्लाई हो रहा है। भाई उड़ता पंजाब बहुत देख चुका है ये देखिए, रोड क्रॉस कर चुके हैं हम ऑटो पकड़ने के लिए, बट इस मासे की वजह से वापस आना पड़ता है। हाँ, ड्रग का सप्लाई हो रहा है। आवाज़ तो भाई ऐसी है, मेरे को पता नहीं आपको आवाज़ आ भी रही है कि नहीं, बट गाड़ी से उतरे ऑटो पे मजनू का टीला के काफ़ी आगे आ चुके हैं हम, वहाँ जाना था और ये पीछे रोड क्रॉस करके आए हैं, तो गली दिखा। सो कुछ रास्ते नज़ारे ऐसे हैं, ये एक्चुअली टिबेटियन बेस्ड जगह है, टिबेटियन कम्युनिटी है, एंड ये रहा हमारा रेस्टोरेंट हिमालयन, अच्छा रेस्टोरेंट तो लग रहा है, यही है मम्मी। लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, ये मम्मी और पापा बैठे हैं, एंड लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा है एरिया, काफ़ी अच्छा लगा, हम लाइक ऊपर बैठे स्टेज से एंड ये नीचे ऐसा है। वीडियो नहीं बनी बट आपने देखा मोमोज और एक फ्राइड चिकन कुछ है, एंड यहाँ की बेस्ट चीज़ें फूड भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है, 40 रुपीज़ किया, आई लाइक इट, एंड और भी कर दो ऑर्डर किया, फोटोज दिखाऊँगा वीडियो में।
सो गाइज खाना खा लिया, ये रेस्टोरेंट था जो मैंने आपको दिखाया था, एंड मतलब काफ़ी अच्छा मना आज बर्थडे, मतलब सभी क्या काफ़ी, मतलब मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया आज का दिन। आई होप यू इन्जॉय टुडेज ब्लॉग, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट डाउन करके बताइए आप अपने पापा के बर्थडे पे क्या करते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना। एंड अगला ब्लॉग आएगा उसमें मिलते हैं, तो फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय गाइस। तो यार सोचा था ये ब्लॉग ख़त्म करूँगा, बट इंडिया गेट आ गए थे आइसक्रीम खाने, एंड एक हरकत हो गई, हम नो पार्किंग में गाड़ी डाल दी, एंड यहाँ हमारा पीछे चालान कट रहा है, ये पीछे शायद पीछे नहीं आगे हमारा चालान कट रहा है, नो पार्किंग का चालान, क्या कर सकते हैं।